हेलो गाइस, दोबारा से स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन मीडिया एक्सप्रेस में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आप सभी के फेवरेट सीरियल यानी कि अनुपमा के अपकमिंग स्टोरी के अपडेट के बारे में। तो दोस्तों शो में जहां हमें देखने मिलता है अनुपमा श्रुति के घर आई होती है ताकि वो आद्या के बर्थडे पर इंडियन फूड बना सके, जिस बात से आद्या अभी भी अनअवेयर है। जी हाँ दोस्तों, आगे जब अनुपमा आद्या के घर आती है आद्या उसे देखकर हैरान हो जाती है, जहां आद्या नहीं चाहती कि अनुज और अनुपमा एक दूसरे के आमने सामने आए। इसलिए आद्या अनुज को फोन करती है और उसे काम देने लग जाती है जिससे अनुज अनुपमा से ना मिल सके। आद्या अनुज को काम देती है जैसे कि उसका जैकेट लेके आना और चीज केक, जिस कारण अनुज लेट हो जाता है। उस बीच अनुपमा को रेस्टोरेंट जाना होता है ताकि वो रेस्टोरेंट में टाइम से पहुंच पाए दोस्तों, लेकिन जाने ये मिलता है उसे रेस्टोरेंट से निकाल दिया जाता है लेट होने के कारण। टाइम कवर करने के लिए श्रुति अनुपमा से रिक्वेस्ट करती है रुकने के लिए, जहां अनुपमा इंडियन क्लासिकल डांस करती है जिसे देखकर आद्या पुरानी बातें याद करी होती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दे, अभी जो हमने कहा कि वो लेट हो जाती है और उसे निकाल दिया जाता है रेस्टोरेंट से, वो इंसिडेंट इस स्टोरी के बाद का है, बट हमने सोचा पहले ही बता देते हैं। और दोस्तों फिर आगे हमें ये देखने मिलता है उसका डांस देखकर छोटी अनु को यानी कि आद्या को पैनिक अटैक आ जाता है। ये जानकर अनुज दौड़ा चला आता है, उतने में देखने ये मिलता है कि अनुपमा को यशपाल नौकरी से निकाल देता है, जिस वजह से अनुपमा अनुज के घर से चली जाती है। क्या अनुज और अनुपमा कभी मिल पाएंगे और क्या आद्या उन्हें मिलने भी देगी? आई डोंट थिंक सो दोस्तों, बट आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। लेट्स सी कि आने वाली स्टोरी में हमें क्या देखने मिलता है। इंडियन मीडिया एक्सप्रेस के अपडेट से मिस नहीं करना चाहते तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना, अपने फेसबुक फ्रेंड्स से शेयर करना, ताकि सारे भी जो भी अनुपमा सीरियल के फैंस है उन्हें अपडेट्स मिलते रहे। यहां तक देखिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।